बहुत सारे बच्चों को ब्लड की बहुत जरूरत है। बीमारी के बारे में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाइए। यूं तो औरत का हर रूप ही बेहद हसीन काबिले कद्र है, लेकिन जब वो माँ के रुतबे पर फायज होती है तो उसकी कद्र मंजिलत मुकाम व मर्तबे में कई सौ गुना इजाफा हो जाता है। बेशक औलाद के सबसे ज़्यादा करीब माँ ही होती है कि उससे उसका रिश्ता उस वक्त जुड़ जाता है जो वो अभी दुनिया में आई भी नहीं होती। वैसे तो बाप की मोहब्बत व शफ़क़त का भी कोई बदल रुतबा किसी तौर पर कम नहीं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की मशक्क़तों के सबब उसका रुतबा तीन गुना बढ़ा दिया। एक माँ वो भी थी जो रज़ाए इलाही के लिए अपने शीरख्वार बच्चे के साथ बेआब व ग्यावादी में तन्हा रहने को बखुशी तैयार हो गई, मगर अपने प्यास से बेहाल बच्चे को बिलकते तड़पते देखा तो सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़ पड़ी। वल्ला रब्बुल इज़्ज़त ने जमजम की सूरत इनाम से नवाजा। थैलेसीमिया के मरीजों की माँ उन माओं की अजमत को सलाम जिन माओं ने अपने लख्त जिगर औलाद की सेहत के लिए रोज़ाना 24 घंटे खिदमत करते हैं। थैलेसीमिया बीमारी पैदाइशी होती है। इस बीमारी में जिस्म में खून नहीं बनता, जिसकी वजह से मासूम बच्चे हर 15-20 दिन में खून की कमी की उन्हें ज़रूरत होती है। रोज़ाना दवाई के इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। माँ बाप हर 15 दिन को अपने लख्त जिगर को लेकर थैलेसीमिया सेंटर को आते हैं और बच्चों को खून चढ़वाते हैं। माँ अपनी औलाद को खून चढ़ने तक बेचैन होती है। इन मरीजों की माओं की अजमत को सलाम। बट से है समझो, अभी ना 17 इयर्स के है भी। हर 15 डेज के लिए आती हूँ मैं, महीने में दो बार होता समझो। अभी इनका ट्रांसफ्यूशन हर 15 डेज में होता और ब्लड भी अच्छा से मिलता है, टैबलेट्स वगैरह बच्ची के लिए सब फैसिलिटीज है यहाँ पर। और हम लोग तो बच्ची को बाई बर्थ से आ रहे समझो, जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये सोसाइटी वालों का, नर्सों का, डॉक्टर, वॉमिटिंग्स कर लेते थे लोग, बहुत रोना रोना, बस पूरा दूध निकाल लेना, जो भी खा रहे निकाल देना, वॉमिटिंग्स करना। आप लोग ब्लड कैंप रखे तो बहुत मेहरबानी होती समझो।